हेलो दोस्तों, वेलकम टू अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या है और प्रकाश संबंधित कुछ परिभाषाएं को हमने जाना। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, उसको हम जानेंगे। प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश ऊर्जा का प्रकार है। हम इस ऊर्जा का उपयोग दूसरे चीज़ में कर सकते हैं, जैसे बल्ब हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी देती है, उसी प्रकार हम लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर हम पावर कांच का उपयोग करके लाइट एनर्जी लेके उससे हीट एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है, यह निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात का मतलब है जहाँ हवा ना हो, तो प्रकाश के पास ऐसा गुण है जो निर्वात में भी गमन कर सकता है। तीसरा है, निर्वात या वायु में इसकी वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अर्थात मतलब प्रकाश निर्वात या वायु में 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। ये तो मीटर में हो गया। अगर हम बात करें किलोमीटर में, तो यह आंकड़ा आएगा, तो अगर प्रकाश की बात करें तो इसका वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है लगभग। अब चौथा गुण आता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसको हम जानेंगे, तो वैज्ञानिकों ने यह उदाहरण देकर बताया है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके लिए एक मोमबत्ती लिया गया और 3 कार्डबोर्ड उसमें छिद्र कर दिया गया, और हमने आंखों से देखा कि प्रकाश किस प्रकार सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये मोमबत्ती का प्रकाश यहाँ से सीधा जाता है और इस सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकल जाता है, फिर इसके सामने दूसरा कार्डबोर्ड रखा है, उसके बाद इस छिद्र से बाहर निकलकर दूसरे कार्डबोर्ड के छिद्र के पास पहुंचता है, फिर उससे निकल कर यह हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इस उदाहरण से पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम में भी गमन करता है। ये हमने देखा है कि खिड़कियों से रोशनी कैसे आर पार हो जाती है। प्रकाश का परिवर्तन होता है, अर्थात अगर कोई चिकनी या चमकीली सतह है तो प्रकाश उससे टकरा कर दूसरी ओर चला जाता है। मान लेते हैं कि ये चमकीली सरफेस है और अगर इसमें प्रकाश आती है तो इस सतह से टकराकर वो वापस दूसरी साइड चली जाती है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, अर्थात किसी पारदर्शी माध्यम से अगर प्रकाश गुजर रहा है तो इस उदाहरण से पता चलता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह विचलित हो जाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। हमको पता है कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होती है। अगर हम प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट पास करें तो हमको वर्ण विक्षेपण मिलता है, मतलब जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अनेक गुणों में से एक है प्रकाश का परावर्तन। इस गुण को अभी हम जानेंगे, परावर्तन किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन,
जब कोई प्रकाश किरण एक समांग माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वह चमकदार सतह से टकरा कर उसी माध्यम से लौट जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन आप देख सकते हैं। यह है एक चमकीली सतह पी क्यू, एक आपतित किरण है जो कि इस सतह पर आके गिर रही है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन बोलता है कि जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है उसी माध्यम में वह टकराकर चला जाता है। टकराकर चले जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण और सतह पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और इस सतह पर जिस बिंदु पर प्रकाश आ रही है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपने समझा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है।